नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है टेक्निक गुरुजी। आज हम बात करेंगे LG के मैजिक मोशन रिमोट कंट्रोल के बारे में कि इस रिमोट के साथ मैजिक क्यों जोड़ा गया और मोशन क्यों जोड़ा गया, और साथ ही साथ जानेंगे कि आज इसकी टेक्नोलॉजी और फीचर्स के बारे में और कैसे हम इस रिमोट के अंदर और भी शॉर्टकट्स बनाकर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं LG का सबसे पहला 2022 में कैसा रिमोट कंट्रोल LG ने लॉन्च किया है। तो LG ने सबसे पहला अपने OLED जितने भी मॉडल्स हैं A2, B2, C2, G2 और Z2 मॉडल्स के साथ क्या क्या मॉडल्स इन्होंने अभी सभी TVs में क्या क्या डिफरेंस रखा है रिमोट में। पहला डिफरेंस तो दोस्तों ये है कि अगर यही रिमोट आपको 4K TV में भी मिलेगा LG के, लेकिन फ़र्क आप कैसे डिफरेंशिएट जज कर सकते हैं कि इस मॉडल के अंदर जो भी OLED TV रहेंगे उसके अंदर आपको मिलेगा NFC वाला रिमोट कंट्रोल। NFC बेसिकली नियर फील्ड कम्युनिकेशन होता है NFC, तो ये वाला रिमोट कंट्रोल मिलता है जिसकी वजह से आप जैसे ही नियर बाय जाते हैं तो ऑटोमेटिकली सर्च करके वो रिकग्नाइज करके कनेक्ट कर लेता है। पहला बेनिफिट तो ये है। दूसरा बेनिफिट कि इस रिमोट के अंदर आप जैसे कि बताया जाता है कि ये रिमोट कंट्रोल है मैजिक मोशन रिमोट कंट्रोल, तो इसके क्या क्या बेनिफिट हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट कि आपका ये सिर्फ TV का ही रिमोट कंट्रोल नहीं रहने वाला है, बल्कि ये रहेगा आपके सेटअप बॉक्स, DVD प्लेयर, होम थिएटर, गेमिंग कंसोल, इन सभी चीज़ों का। सेकेंड बेनिफिट कि आप इसमें अपनी शॉर्ट कीज़ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कंपनी जो देती है प्री इंस्टॉल्ड वो देती है नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम मूवीज़, डिज्नी हॉटस्टार, गूगल असिस्टेंट और अमेजॉन एलेक्सा। ये तो है वॉइस असिस्टेंट के फीचर्स। बाकी अगर मुझे रिमोट कंट्रोल से यूट्यूब खोलना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सिंपली क्या होता है कि मेन्यू बटन प्रेस करा, देन उसके बाद यहाँ से हम शॉर्टलिस्ट करके फिर हम प्ले करते हैं। बट अब क्या है कि आप अपने रिमोट कंट्रोल में शॉर्ट कीज़ अपनी नीड के अकॉर्डिंगली खुद ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अब ये ज़ीरो बटन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ज़ीरो बटन लॉन्ग प्रेस करेंगे 5 सेकेंड्स प्रेस करने के बाद आपकी होम स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब अपनी नीड के अकॉर्डिंगली आप इसमें सेट कर सकते हैं। ये बेसिकली डिफाइन करता है आपके रिमोट के नमेरिकल कीपैड को कि इसके अंदर 1 नंबर कीपैड पर क्या लगाना चाहते हैं आप, और 2nd नंबर पर क्या लगाना चाहते हैं, 3rd नंबर पर। जैसे कि मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, 1st कीपैड पर लगाया हुआ है मैंने यहाँ पर यूट्यूब, 2nd पे Z5, 3rd पे वेब ब्राउज़र, 4th हमारा सेटअप बॉक्स के लिए रहेगा, 5 रहेगा हमारा सोनी लिव मीडिया, एप्पल TV एंड स्पोर्ट्स अलर्ट। ये सभी चीज़ें आप 1 क्लिक पर, जैसे कि अब मुझे यूट्यूब ओपन करना है तो आई एम जस्ट प्रेसिंग 1 की फॉर 3 सेकेंड्स एंड ऑटोमेटिकली यूट्यूब विल ओपन। इसमें सबसे अच्छी खास बात ये लगती है, अगर अब देखिए जैसे अब मैं पहले पेन ड्राइव का कंटेंट देख रहा था और अब मुझे देखना है कि वापस मुझे यूट्यूब देख लिया, अब मुझे वापस पेन ड्राइव का कंटेंट देखना है, तो अब उसके लिए क्या प्रोसेस होता था कि अगेन पेन ड्राइव ओपन करो, फाइल कमांडर में जाओ। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये होम की प्रेस आप बटन देखेंगे तो होम की जैसे ही आप प्रेस करेंगे, होम की प्रेस फॉर 3 सेकेंड्स एंड ऑटोमेटिकली ये पुराने उसी पे ही चला आएगा जहाँ पर आप पहले वो टैब देख रहे थे। तो इसका ये बेनिफिट है मैजिक मोशन रिमोट कंट्रोल में, ये सिर्फ कर्सर ही नहीं बल्कि दोस्तों और भी चीज़ें काम करती हैं। तो ऐसे ही एक्साइटिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहें मेरे साथ और देखते रहें टेक्निक गुरुजी। और अभी तक दोस्तों अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले ये बेल आइकन और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।